इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं सद्गुरु मेडिकोस, डॉक्टर रितेश ऑर्थो स्पेशलिस्ट। एवरी संडे 11 AM to 3 PM सद्गुरु मेडिकोस नियर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा। डॉक्टर नितिका बाली शर्मा MBBS DGO गायनोलॉजिस्ट लेडी डॉक्टर। एवरी मंडे एंड थर्सडे, अपॉइंटमेंट नंबर 8492093988। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मण शर्मा। रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की खबरों की ओर। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जावेद राना के घर मेंढर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें DDC इलेक्शन में जेशान राना की हार पर विचार किया गया। पुंछ से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ हैं मेंढर कॉन्स्टिट्यूएंसी से DDC का इलेक्शन लड़ने वाले जीशान जावेद राना। सर बताइए, क्या कहाँ चूक हुई जो आपको हार का सामना देखना? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने वोटान का शुक्रिया अदा करता हूँ आपके माध्यम से। बड़ी तादाद में वो मेरे साथ ही चले और बड़ी तादाद में मुझे वोट भी हासिल हुए। मैंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में ये बातें सामने रखी हैं कि किस तरीके से जो है एजेंसीज़ ने इस इलेक्शन में उनका रोल रहा और किस तरीके से उन्होंने इस इलेक्शन को हाईजैक करने की कोशिश की। यहाँ पर कुछ स्टेशन ऐसे थे जहाँ पर वो कैप्चरिंग हुई, कुछ स्टेशन ऐसे थे जहाँ बोगस वोटिंग हुई, हमारे लोगों को वोट नहीं डालने दिए गए। तो ये सारी बातें जो हैं हमने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने वो पोलिंग वाले दिन ही रख दी थी और हमने डिमांड भी की थी कुछ स्टेशन पे कि रीपोल होना चाहिए और इलेक्शन स्टेट इलेक्शन अथॉरिटी को भी एक हमारी तरफ से एक हमने एप्लीकेशन फाइल की थी और उन्हें अपील की थी कि यहाँ पे कुछ स्टेशन हैं जहाँ पे आप रीपोल करवाएं, क्योंकि हमें अच्छा था कि यहाँ पे बोगस वोटिंग हुई है और हमारे एजेंट्स को भी मारा गया, हमारे जो दोनों एजेंट्स को वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। तो ये कुछ रीजंस थे, क्योंकि एजेंसी का भी बड़ा रोल था। यहाँ पे मैंने कल एक व्हाट्सएप चैट जो है वो यहाँ पे मीडिया के सामने रखी थी कि किस तरीके से एक सीनियर IPS ऑफिसर जो हैं वो डिप्लॉयमेंट डिस्कस कर रहे हैं एक RET टीचर के साथ और पैसे का लेन देन कैसे चल रहा है, क्या रोल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का, सॉरी पुलिस का उसमें। तो ये सारी बातें हैं, उसी की वजह से मैं समझता हूँ कि मैं लोगों ने मेरा बढ़ चढ़ के साथ दिया, लोगों का साथ तावन था मेरे साथ, उनकी सपोर्ट था, उनका प्यार था, उनका खलूस था, मोहब्बत थी उनकी, तो वो हमेशा मेरे साथ रहेगी है इंशाल्लाह ताला, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर ये इलेक्शन जो है ये एजेंसीज़ की वजह से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर यहाँ शिकस्त मिली तो उसमें एजेंसीज का बहुत बड़ा रोल। राणा साहब, यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कुछ अपने ही लोग पार्टी की इस हार में अपोजिशन के साथ शामिल हैं। हाँ, कुछ लोग थे और हमने हाईकमांड को जो है वो सूचना दे दी है, हमने बाकायदा जो है एक ऑफिशियल पार्टी की तरफ से एक लेटर चला गया हाईकमांड को। कुछ लोगों ने यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहते हुए भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ नहीं दिया और पहली बार नहीं किया उन्होंने, उनकी आदत है जब जब भी इलेक्शन हुए हैं उन्होंने हमेशा से उनकी ये कोशिश रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो उम्मीदवार हो वो हारे। इस बार भी उन्होंने अपनी जो उनकी आदत थी जो उन्होंने वो पूरा करना था उसको उसी तरीके से उसी रास्ते पे चलते हुए उन्होंने इस बार भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ नहीं दिया, बल्कि उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ वो खड़े रहे और कुछ बातें सामने भी आई हैं, वो मीडिया के सामने भी हैं किस तरीके से उन्होंने उनका क्या क्या रोल रहा, वो किस तरीके से उनकी कैंपेनिंग करते थे, ये सारी बातें जो हैं वो लोगों के सामने हैं और इंशाल्लाह ताला हमारी तंजीम जो है इस पर फैसला करेगी। ऐसे लोगों की इस तंजीम के अंदर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग तंजीम को ख़राब करते हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो आने वाले दिनों में आप जहां आपको हार का सामना देखना पड़ा तो अपने वोटर्स और अपने इलाके में किस तरह का काम करेंगे? देखिए, मैंने इंशाल्लाह ताला हम जल्द से जल्द वापस अपने लोगों में जाएंगे, लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे जहां जहां से हमें वोट मिले, जहां जहां से हमें वोट नहीं मिले, और हम एक स्ट्रेटजी के साथ निकलेंगे मैदान में, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अब असेंबली इलेक्शंस भी हैं, आने वाले हैं और उनकी तैयारी भी हमें करनी है, हमें घरों में नहीं बैठना है, मेहनत करनी है, लोगों को जोड़ना है। इंशाल्लाह ताला तंजीम जो है वो मजबूत है। ओवरऑल अगर आप देखें तो मेंढर कॉन्स्टिट्यूएंसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम को सबसे ज़्यादा वोट हासिल हुए हैं, चाहे बालाकोट में आप देख लीजिए या गुरसाई में जो ब्लॉक मेंढर ए था या मेंढर सी था या मनकोट था, ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेंढर कॉन्स्टिट्यूएंसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज़्यादा वोट हासिल हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत है और कुछ लोगों की वजह से यहाँ हमें हार का सामना करना पड़ा, उनका मुकाबला हम करेंगे और इंशाल्लाह ताला एक मजबूती से उभर के आएंगे। ऑनलाइन अपडेट रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़ और सब्सक्राइब करना ना भूलें।